नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि वाइंडिंग प्रोसेस क्या होती है, मतलब यार्न वाइंडिंग प्रोसेस क्या होती है, और उसमें भी जो बार वाइंडिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, और टाइप ऑफ वाइंडिंग मशीन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और वाइंडिंग में पैटर्निंग क्या होती है, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेज डिफेक्ट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और आपसे, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप सभी लोगों को सारा टॉपिक क्लियर होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वार्प बाइंडिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ वार्प बाइंडिंग मशीन्स, पैटर्निंग एंड पैकेज फॉल्ट्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो यार्न बाइंडिंग होती है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारा धागा रिंग फ्रेम में बन के तैयार होता है तो वो बहुत छोटा छोटा पैकेज होता है, वो रिंग बॉबिन पर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम इसी तरीके से धागे की वजन होता है, तो उसमें बहुत लेंथ कम होती है। तो उस धागे को हम डायरेक्ट वीविंग प्रोसेस में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारी रिंग बॉबिन होती है, तो बहुत सारे रिंग बॉबिन के धागे को लेके हम एक लार्ज पैकेज बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा पैकेज बड़ा हो जाता है तो हमें लेंथ यार्न की ज़्यादा मिल जाती है, और हम इजीली अपनी वार्पिंग प्रोसेस या अदर जो नीटिंग प्रोसेस हो या और कोई भी प्रोसेस हो वो कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि हम कहें कि जो बाइंडिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो पहला ऑब्जेक्ट होता है टू इनलार्ज द यार्न पैकेज, मतलब यार्न पैकेज को बड़ा करना। दूसरा होता है टू रिमूव द यार्न फॉल्ट्स फ्रॉम द यार्न अप टू ऑप्टिमम लेवल, और यार्न से जो भी यार्न के फॉल्ट होते हैं उनको निकालना या ख़त्म करना। तीसरा होता है टू क्लीन द यार्न अप टू सम एक्सटेंट। दोस्तों, जो यार्न होता है रिंग फ्रेम से आता है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक ब्रोकन सीड वगैरह, तो उनको वो निकाल देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें बाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तो अब दोस्तों देखिए, बाइंडिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताता हूँ। वार्प बाइंडिंग प्रोसेस और वेफ्ट बाइंडिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जो वेफ्ट बाइंडिंग प्रोसेस होती है वो तो सिर्फ जो वेफ्ट की बॉबिन्स होती है उनको बाइंड करने के लिए प्रयोग की जाती है, और जो अपनी वार्प बाइंडिंग प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े पैकेजेस बनाते हैं जिनकी लेंथ यार्न के काउंट के अनुसार होती है, बट जो पैकेज होता है उसका वजन 1 किलो से लेके आपका 2 किलो और कहीं कहीं पर तो 3-3, 4-4 किलो भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बार्प बाइंडिंग को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो बार्प बाइंडिंग होती है उसमें दो तरीके की होती है। एक होती है ड्रम बाइंडिंग या सरफेस कॉन्टेक्ट बाइंडिंग, इसको बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग। दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रम बाइंडिंग कैसे काम करती है। ये आपकी ड्रम बाइंडिंग है। तो दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं ये होते हैं आपके पेपर कॉन्स होते हैं, ये आपके जो बाइंडिंग की मशीन होती है उसमें स्पिंडल होता है, उसमें लगता है, इसी के ऊपर आपका यार्न लपेटा जाता है, बाइंड किया जाता है। दोस्तों, ये तो आपका पेपर कॉन हो गया। दोस्तों, ये आपकी पेपर चीज है, तो ये भी प्रयोग की जाती है एज ए यार्न पैकेज। बट दोस्तों, इन दोनों में फर्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये जो कॉन होता है, इसकी जो नोज होती है, नोज साइड में इसका डाया कम होता है, और इसके बैक साइड में या रियर साइड में जो डाया होता है ज़्यादा होता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हमारा यार्न अनवाइंड होता है तो उसके ऊपर टेंशन कम लगता है, मतलब इसकी अनवाइंडिंग इजी हो जाती है, बट इसकी जो पैकेज की स्टेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम होती है दोस्तों। और जो हमारा जो पेपर चीज होता है या चीज बाइंडिंग होती है, उसमें जो यार्न लपटता है तो उसमें क्या होता है, जो पैकेज का डाया होता है वो दोनों तरफ बराबर होता है, मतलब यहाँ पे भी बराबर होगा और यहाँ पे भी बराबर होगा। बट इसमें दोस्तों क्या होता है कि पैकेज की स्टेबिलिटी तो अच्छी आती है, लेकिन इसमें जो हमारा
अनवाइंडिंग होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको कोन बाइंडिंग की जो मशीन होती है वो दिखाई हुई है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोन बाइंडिंग मशीन है। और यहाँ पे देखिए ये टेंशनर लगे हुए हैं आपके, ये टेंशनर है और यहाँ पे यार्न गाइड लगी हुई है और नीचे इसके कोन होल्डर होता है, तो कोन रखे जाते हैं नीचे। और ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेवर्स ड्रम होता है या वाइंडिंग ड्रम भी बोल सकते हैं इसको। और ये आपका ये दिख रहा है, ये क्रेडल होता है, क्रेडल के अंदर एक स्पिंडल लगा होता है। तो दोस्तों उस स्पिंडल के ऊपर हम जो एम्प्टी यार्न पैकेज होता है उसको माउंट कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो मशीन है आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिविजुअल हेड ऑपरेट होता है मोटर से। देखिए ये मोटर लगी हुई है इस हेड के लिए, ये मोटर लगी हुई है इस हेड के लिए। तो इसी तरीके से हर हेड के लिए या हर क्रेडल के लिए एक मोटर लगी होती है। तो इनके भी अपने एडवांटेज होते हैं। अगर आपकी मशीन इंडिविजुअली ड्राइव नहीं होती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक शाफ्ट लगी होती है, एक शाफ्ट के ऊपर ही ये हमारे सारे के सारे जो ट्रेवर्स ड्रम है वो माउंट होते हैं। तो उसमें मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो हमारे क्रेडल होते हैं वो अलग एक क्रेडल शाफ्ट पर लगे होते हैं, इसको हम अप डाउन करते हैं मतलब नीचे टच कर देंगे ट्रेवर्स ड्रम से, तो हमारा जो कोन है या जो यार्न पैकेज है वो मूव करने लगता है। और इसके अंदर जो स्टॉप मोशन होती है, तो जैसे ही धागा टूटेगा आपका, यदि आपका धागा टूटता है तो क्या होगा, ये क्रेडल है वो लिफ्ट कर जाएगा, ऊपर हो जाता है। और दोस्तों इस तरीके का सिस्टम सिर्फ उन्हीं में होता है, उन्हीं वाइंडिंग मशीन में होता है जहाँ पे आपका ट्रेवर्स ड्रम जो होते हैं वो एक कॉमन शाफ्ट पे माउंट होते हैं। और दोस्तों ये जो इंडिविजुअल मोटर लगी हुई है ये ज्यादा बेटर होती है दोस्तों। क्या होता है कि ये मोटर चल रही है, मोटर से आपका ड्रम चल रहा है, ड्रम से आपका पैकेज घूम रहा है। और दोस्तों जैसे ही आपका यार्न ब्रेक होगा तो ये जो आपका धागा होता है यहाँ पे जो सेंसर होता है वो काम करता है। जैसे ही आपका धागा टूटेगा सेंसर एक सिग्नल देगा इस मशीन के कंट्रोल पैनल को, और कंट्रोल पैनल को जब वो सिग्नल देता है तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी मोटर है इमीडिएट स्टॉप हो जाती है। और इस मोटर के अंदर ब्रेक वगैरह भी होते हैं जिससे कि ज्यादा देर तक इसका जो ड्रम है वो ना घूमे और मशीन का जो स्पिंडल है तुरंत बंद हो जाए। दोस्तों यदि ज्यादा देर तक आपका ये जो पैकेज है बिना धागा लपेटे आपके ड्रम पे घूमता रहता है तो वहां पे यार्न रप्चर हो जाता है, तो वहां पे जब अनवाइंडिंग होती है तो बहुत परेशानी होती है दोस्तों। और जो कॉमन शाफ्ट वाली मशीन होती है, मतलब एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे जो ड्राइवर्स ड्रम माउंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो बार स्टॉप मोशन होती है या बार ब्रेक स्टॉप मोशन या यार्न ब्रेक स्टॉप मोशन होती है, उसमें क्या होता है फीलर वगैरह लगे रहते हैं। तो वो फीलर के नीचे से धागा जाता है, मतलब फीलर लिफ्ट रहता है ऊपर, ऊपर उठा रहता है, और जैसे ही यार्न ब्रेक होता है तो फीलर डाउन होता है, तो उसका मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली काम करता है और ये जो क्रेडल होता है इसको अप कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो पैकेज घूमना होता है वो बंद हो जाता है। और जब भी कभी मैकेनिकल कोई फॉल्ट आ जाता है हमारे यार्न ब्रेक स्टॉप मोशन में, तो फिर आपका जो यार्न है वो रप्चर होने लगता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों ये ट्रेवर्स ड्रम होता है, ये आपके या तो एक कॉमन शाफ्ट में माउंट होता है, या अगर आपका जो वाइंडर है उसमें इंडिविजुअल मोटर्स लगे हुए हैं अलग अलग हेड के लिए, तो उसमें ये इंडिविजुअल मोटर होती है, उसकी शाफ्ट बाहर निकली रहती है, उसी पे माउंट होता है। तो दोस्तों यही जो ट्रेवर्स ड्रम होता है ये क्या करता है कि ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये देखिए ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, तो जो आपका यार्न होता है दोस्तों वो इन्हीं ग्रूव्स से जाता है, ये घूमता है, जो आपका यार्न होता है इधर जाएगा एक राउंड में, फिर उधर से फिर इधर लौट के आता है। इस तरीके से हमारे पैकेज के ऊपर क्रॉस बाइंडिंग होती रहती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाई हुई है चीज बाइंडिंग मशीन, दोस्तों आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी देखिए आप, इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ये आपके टेंशनर लगे हुए हैं और ये आपका यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये यार्न गाइड लगी हुई है और यहीं पे आपका जो यार्न ब्रेक सेंसर होता है वो लगा होता है, और ये आपका यहाँ पे पैकेज होल्डर है या कौन होल्डर है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से धागा जाता है आपका सीधा, ये जाता है आपके पैकेज के ऊपर, ये आपका ट्रेवर्स ड्रम लगा हुआ है और ये भी इंडिविजुअल ड्रिवन है,
आपका जो पैकेज है तो सबके लिए अलग अलग मोटर लगे हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, और ये क्रेडल है आपका, और यहाँ पे आपका जो पेपर चीज है वो लग जाता है, चीज प्लास्टिक की भी हो सकती है, पेपर की भी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आपका यान का पैकेज बनता है उसका डाया दोनों तरफ बराबर होता है। दोस्तों ये जो मॉडर्न मशीन होते हैं आजकल जो आ रहे हैं उनमें क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर आप यान की लेंथ फिट कर सकते हैं। जब आप इसमें यान लेंथ फिट कर देंगे तो आपका पैकेज बनना चालू होगा, जितना आपको अपने पैकेज में लेंथ लेनी है तो उस लेंथ के बाद में आपका जो स्पिंडल है वो तुरंत बंद हो जाता है और आपको एक सिग्नल भी दे देता है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आपके ड्रम बाइंडिंग मशीन के, मतलब कैसे वर्क करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इन ड्रम बाइंडिंग प्रोसेस द पैकेज गेट्स ड्रिवन नेगेटिवली। दोस्तों ये जो ड्रम बाइंडिंग की मशीन होती है इसके अंदर अपना जो यान पैकेज होता है वो नेगेटिवली ड्रिवन होता है, मतलब उसको कोई ड्राइव नहीं मिलती है, वो ड्रम के सरफेस कॉन्टेक्ट से चलता है। द पैकेज इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल विच इज एबल टू रोटेट फ्रीली। दोस्तों जो हमारा यान पैकेज होता है, जो एम्प्टी यान पैकेज होता है, उसको हम एक ऐसे स्पिंडल पर माउंट करते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकता है। व्हेन द सरफेस ऑफ द पैकेज टचेज द रोटेटिंग ट्रेवर्स ड्रम हैविंग हेलिकल ग्रूव्स इन इट। दोस्तों जब हमारा यान पैकेज ट्रेवर्स ड्रम से टच करता है जिसके अंदर की हेलिकल ग्रूव्स बने होते हैं, पैकेज स्टार्ट टू रोटेट ड्यू टू सरफेस कॉन्टेक्ट ऑफ ड्रम। दोस्तों हमारा जो यान पैकेज होता है वो तुरंत तुरंत घूमना चालू कर देता है ड्रम में जो सरफेस कॉन्टेक्ट होता है उसके वजह से। इन ड्रम बाइंडिंग द पैकेज इज फॉर्म्ड बाई ए सिंगल थ्रेड विच इज लेड ऑन द पैकेज एट एप्रिसिएबल हेलिक्स एंगल सो दैट द लेयर क्रॉसेज वन एनदर एंड गिव स्टेबिलिटी टू द पैकेज। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा पैकेज बनता है वो सिंगल एंड से बनता है, मतलब सिंगल एक धागा होता है उसी से बनता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रेवर्स ड्रम होता है उसके अंदर हेलिकल ग्रुप्स होते हैं और उन हेलिकल ग्रुप्स के वजह से क्या होता है कि जो पैकेज होता है उसके अंदर जो धागा चलता है वो क्रॉस बाइंडिंग देता है आपको, तो उससे क्या होता है आपके पैकेज की स्टेबिलिटी आती है। सिंस पैकेज इज ड्रिवन थ्रू सरफेस कॉन्टेक्ट। दोस्तों ड्रम बाइंडिंग के अंदर जो पैकेज होता है वो नेगेटिवली ड्रिवन होता है, मतलब सरफेस कॉन्टेक्ट से चलता है, सो दैट लेस एलोंगेशन इन द यान इज ऑकर्ड। दोस्तों यही कारण होता है कि ड्रम बाइंडिंग के अंदर जो एलोंगेशन होता है बहुत कम होता है। ड्यू टू सरफेस कॉन्टेक्ट देयर आर चांसेज ऑफ यान रप्चर। दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा यान पैकेज चलता है वो सरफेस कॉन्टेक्ट से चलता है, इसलिए इस तरीके की प्रोसेस के अंदर यान के रप्चर होने की भी संभावना होती है एंड हेरीनेस इन दिस प्रोसेस कुछ हद तक बनी रहती है। द ड्रम बाइंडिंग इज सुइटेबल फॉर स्पन यान मेनली। दोस्तों जो ड्रम बाइंडिंग होती है वो स्पन यान के लिए बहुत सुइटेबल होती है। द पैकेज इज फॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग हैज लो वाइंडिंग डेंसिटी। दोस्तों जो पैकेज बनते हैं हमारे ड्रम बाइंडिंग से उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, बट दे हैज मोर स्टेबिलिटी। दोस्तों उसके बावजूद भी हमारे पैकेज की स्टेबिलिटी अच्छी होती है, वो स्लिप कम करता है, वो यान को सरकने की जो संभावना होती है पैकेज के अंदर वो बहुत कम होती है। द यान डू नॉट गेट स्लिप्ड नॉर्मली इन दिस वाइंडिंग पैकेज ड्यूरिंग अनवाइंडिंग एंड हैंडलिंग। दोस्तों जो पैकेज हमें ड्रम बाइंडिंग से मिलता है तो उसके अंदर यान के अनवाइंडिंग के दौरान उसके स्लिप करने की संभावना कम होती है और हैंडलिंग के दौरान भी जो हमारा यान होता है पैकेज से स्लिप नहीं करता है। ओनली वन कॉइल इज यूज टू मेक दिस पैकेज। दोस्तों इस पैकेज को बनाने के लिए सिर्फ एक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। द क्रॉस बाइंडिंग मेथड इज यूज इन ड्रम बाइंडिंग प्रोसेस। दोस्तों ड्रम बाइंडिंग के अंदर क्रॉस बाइंडिंग मेथड यूज किया जाता है। द पैकेज फॉर्म्ड बाय दिस मेथड हैज लोअर बाइंडिंग डेंसिटी। दोस्तों मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि इस तरीके के पैकेज की जो डेंसिटी होती है और वो कम होती है। एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड अनवाइंडिंग ऑफ यान रिजल्ट इन द पैकेज। दोस्तों ड्रम बाइंडिंग से बने हुए पैकेज की जो अनवाइंडिंग होती है वो बहुत एफिशिएंटली होती है और अनइंटरप्टेड होती है। वाइंडिंग प्रोसेस इज सो सिंपल
हमारी जो बाइंडिंग प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है ड्रम बाइंडिंग में, एंड इजी टू हैंडल। हम जो ड्रम बाइंडिंग की मशीन होती है उनका मेंटेनेंस वगैरह या उनकी सेटिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। द रेट ऑफ अनवाइंडिंग इज हाई, जो पैकेज होते हैं हमारे ड्रम बाइंडिंग से मिलते हैं उनका अनवाइंडिंग रेट बहुत हाई होता है। द कोन चीज एंड बिग स्पूल कैन बी फॉर्म्ड बाई दिस बाइंडिंग प्रोसेस। दोस्तों हम ड्रम बाइंडिंग की सहायता से कोन बना सकते हैं, चीज भी बना सकते हैं और बिग स्पूल भी बना सकते हैं। अब दोस्तों मैंने नीचे आपको बताया है कि ड्रम बाइंडिंग के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको ड्रम बाइंडिंग के एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज बताएं, तो उसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों एडवांटेजेज ऑफ ड्रम बाइंडिंग, देखिए कौन कौन से एडवांटेजेज होते हैं ड्रम बाइंडिंग में। नो नीड ऑफ फ्लैंजेज इन द पैकेज। दोस्तों सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो होता है कि जो हमारा एम्प्टी पैकेज होता है या पेपर कोन होता है, तो उसके लिए हमें दोनों एंड पे या दोनों साइड पे किसी भी फ्लेंज की आवश्यकता नहीं होती है। एफिशिएंट यार्न अनवाइंडिंग ड्यूरिंग वेरियस वीविंग प्रोसेसेस। दोस्तों यदि हम ड्रम बाइंडिंग से मिला हुआ या बना हुआ यार्न पैकेज यूज करते हैं तो उसकी जो अनवाइंडिंग होती है वीविंग की डिफरेंट प्रोसेस के दौरान, चाहे आप वेफ्ट में चला रहे हो चाहे आप बार्क में चला रहे हो, वो बहुत इफिशियंट होती है। स्टेबिलिटी ऑफ पैकेज इज हाई, ये जो ड्रम बाइंडिंग से मिला हुआ पैकेज होता है उसकी पैकेज स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेस चांसेस ऑफ यार्न एलोंगेशन, दोस्तों ड्रम बाइंडिंग से मिले हुए पैकेज की अंदर जो एलोंगेशन होता है यार्न का वो बहुत कम होता है। अब दोस्तों देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रम बाइंडिंग। अब हम बता रहे हैं आपको कि जो हमारा पैकेज होता है ड्रम बाइंडिंग से बना हुआ या सरफेस कॉन्टेक्ट बाइंडिंग से बना हुआ, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर इंच, डिग्री ऑफ ट्विस्ट इन द यार्न गेट्स अफेक्टेड इन ड्रम बाइंडिंग प्रोसेस। दोस्तों ड्रम बाइंडिंग प्रोसेस के अंदर जब हम धागे को पैकेज के ऊपर बाउंड करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो टीपीआई होते हैं या टर्न्स पर इंच होते हैं उनके चेंज होने की संभावना रहती है। स्मॉल पैकेज साइज रिजल्ट, ड्रम बाइंडिंग के अंदर जो पैकेज साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। लो वाइंडिंग डेंसिटी ऑफ यार्न पैकेज, जो यार्न पैकेज होता है उसकी वाइंडिंग डेंसिटी कम होती है। चांसेज ऑफ यार्न रप्चर आर पॉसिबल, ड्रम बाइंडिंग के अंदर यार्न के रप्चर होने की संभावना बनी रहती है। अब दोस्तों एक आती है आपकी दूसरी जो मैंने बताई थी आपकी प्रेसिजन बाइंडिंग और स्पिंडल बाइंडिंग। दोस्तों मैंने आपको प्रेसिजन बाइंडिंग और स्पिंडल बाइंडिंग की ये पिक्चर दिखाई हुई है, तो इसमें आप कुछ समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो होता है आपका पैकेज होल्डर, और पैकेज होल्डर के बाद में यहाँ पे आपके गाइड्स वगैरह होते हैं, थ्रेड गाइड्स होते हैं, थ्रेड गाइड्स के बाद में फिर यहाँ पे एक आपका यार्न ट्रेवर्स गाइड होता है, और ये आपका क्रेडल है, इसके अंदर एक स्पिंडल लगा होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो आपका पैकेज होता है तो स्पिंडल पर माउंट हो जाता है, और ये जो स्पिंडल होता है ये फ्रीली ड्रिवन नहीं होता, इसको ड्राइव दी जाती है मोटर से या बेल्ट से, कहीं से भी देते हैं। तो आपका स्पिंडल घूमता है, तो स्पिंडल घूमने से ही आपका यार्न पैकेज घूमेगा, और ये जो आपकी जो यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है यहाँ पे वो क्या करती है कि आपके यार्न को ट्रेवर्स देती है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाती है, आती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, उससे आपके जो पैकेज है उसके ऊपर यार्न के कॉइल बनते जाते हैं। तो इसी तरीके से आपका पैकेज बनता जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों स्टॉप मोशन वगैरह होता है, तो जैसे ही आपका धागा टूटेगा तो आपका मशीन होता है वो बंद हो जाता है। दोस्तों देखिए ये देखिए इसके अंदर जो पैकेज होता है तो वो होता है पेपर ट्यूब, ये देख पा रहे हैं आप, ये पेपर ट्यूब्स हैं। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। देखिए इन प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग द पैकेज इज ड्रिवन पॉजिटिवली। प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग के अंदर जो हमारा पैकेज होता है वो पॉजिटिवली ड्रिवन होता है, मतलब उसको मोटर के थ्रू या किसी शाफ्ट के थ्रू उसको ड्राइव दी जाती है। द पैकेज इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल हैविंग पॉजिटिव ड्राइव। दोस्तों जो हमारा एम्प्टी यार्न पैकेज होता है या पेपर ट्यूब वगैरह होती है उसको हम पॉजिटिवली ड्रिवन स्पिंडल पर माउंट करते हैं। व्हेन द स्पिंडल रोटेट्स, जब हमारा स्पिंडल रोटेट करता है, इट पुल्स द यार्न एंड वाइंड इट ऑन द पैकेज। तो दोस्तों जैसे हमारा स्पिंडल रोटेट करेगा तो वो यार्न को खींचता है, और यार्न को खींच के पैकेज के ऊपर बाउंड करता है। द कॉइल्स ऑफ यार्न फॉर्म्स
विद द हेल्प ऑफ यार्न ट्रेवर्स गाइड। दोस्तों जो पैकेज के ऊपर कॉइल बनते हैं वो यार्न ट्रेवर्स गाइड के थ्रू बनते हैं, विच हेल्प्स टू मूव द यार्न फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ पैकेज। दोस्तों ये जो यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है वो क्या करती है कि जो हमारा पैकेज होता है उसके एक एंड से दूसरे एंड की ओर ट्रेवर्स करती है, फिर दूसरे एंड से पहले वाले एंड की ओर ट्रेवर्स करती है। इस तरीके से हमारे पैकेज के ऊपर यार्न के कॉइल बनते रहते हैं। ट्रेवर्स गाइड मेक्स टू एंड फ्रो मोशन विद द हेल्प ऑफ ए कैम। दोस्तों मशीन के अंदर एक कैम लगा होता है तो उस कैम की सहायता से जो हमारी ट्रेवर्स गाइड होती है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। इन प्रेसिजन बाइंडिंग सक्सेसिव कॉइल्स ऑफ यार्न आर लेड क्लोज टुगेदर इन ए पैरेलल और नियर पैरेलल मैनर। दोस्तों जो हमारी प्रेसिजन बाइंडिंग या स्पिंडल बाइंडिंग के अंदर जो यार्न के कॉइल्स बनते हैं पैकेज के ऊपर वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं और लगभग या तो पैरेलल से दिखते हैं या नियरली पैरेलल होते हैं। इट इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर फिलामेंट यार्न। दोस्तों जो स्पिंडल बाइंडिंग होती है या प्रेसिजन बाइंडिंग होती है उसको मेनली हम फिलामेंट यार्न के लिए यूज करते हैं। देयर इज नो चांस ऑफ यार्न रप्चर इन दिस प्रोसेस। दोस्तों प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग के अंदर यार्न के रप्चर होने के जीरो चांसेस होते हैं, बट मोर यार्न एलोंगेशन ऑकर्स इन दिस प्रोसेस। दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर यार्न के एलोंगेट होने की ज्यादा संभावना होती है। द पैकेज रिजल्टेड इन दिस प्रोसेस हैज हायर बाइंडिंग डेंसिटी। दोस्तों स्पिंडल बाइंडिंग या प्रेसिजन बाइंडिंग से जो बना हुआ यार्न पैकेज होता है उसकी बाइंडिंग डेंसिटी ज्यादा होती है। ड्यू टू हायर बाइंडिंग डेंसिटी पैकेज कंटेन हायर अमाउंट ऑफ यार्न ऑन इट। दोस्तों पैकेज की बाइंडिंग डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से पैकेज के ऊपर यार्न की ज्यादा अमाउंट बाइंड हो सकती है। पैकेजेज आर बाउंड विद ए रेसिप्रोकेटिंग ट्रेवर्स। दोस्तों जो पैकेजेज होते हैं हमारे उनको रेसिप्रोकेटिंग ट्रेवर्स से बाइंड करते हैं। पैटर्निंग एंड रबिंग कॉजेज डैमेज ऑफ पैकेजेज। दोस्तों जो पैकेज होता है उसके अंदर पैटर्निंग और रबिंग होती है उससे हमारा पैकेज डैमेज हो जाता है। द प्रेसिजन बाइंडिंग पैकेज शोज पुअर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अनवाइंडिंग एंड हैंडलिंग। दोस्तों जो हमारे स्पिंडल बाइंडिंग या प्रेसिजन बाइंडिंग से निकले हुए पैकेज होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पुअर होती है और अनवाइंडिंग के दौरान भी प्रॉब्लम आते हैं और हैंडलिंग के दौरान भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ड्यू टू अनस्टेबल पैकेज करेक्टर द रेट ऑफ अनवाइंडिंग इज लोअर। दोस्तों यही कारण होता है कि हमारे स्पिंडल बाइंडिंग से मिले हुए पैकेज का जो अनवाइंडिंग रेट होता है वो कम होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एडवांटेजेज ऑफ प्रेसिजन बाइंडिंग और स्पिंडल बाइंडिंग, बट इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों एडवांटेजेज ऑफ प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग प्रोसेस, कौन कौन से लाभ होते हैं हमें स्पिंडल बाइंडिंग या प्रेसिजन बाइंडिंग से। देखिए दोस्तों देयर इज नो चांस ऑफ यार्न रप्चर। स्पिंडल बाइंडिंग के अंदर यार्न के रप्चर होने के चांस कम होते हैं। फ्लैंजेज ऑन द पैकेजेज आर नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों जो हमारी प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग होती है उसके अंदर फ्लेंज की आवश्यकता नहीं होती है पैकेज में। लार्ज पैकेज साइज कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर पैकेज साइज बड़ा होता है। साइड अनवाइंडिंग इज पॉसिबल। दोस्तों जो पैकेज हमें स्पिंडल बाइंडिंग या प्रेसिजन बाइंडिंग से मिलता है तो उसकी जो अनवाइंडिंग होती है वो साइड अनवाइंडिंग पॉसिबल है। द टर्न्स पर इंच डिग्री ऑफ ट्विस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर TPI के घटने बढ़ने की संभावना नहीं होती है। मोर कम्पैक्ट पैकेज रिजल्ट इन प्रेसिजन बाइंडिंग। जो पैकेज प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग में प्राप्त होता है उसका जो कम्पैक्टनेस होता है वो ज़्यादा होता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन बाइंडिंग ऑफ फिलामेंट यार्न। दोस्तों इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फिलामेंट यार्न में बहुत यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों डिसएडवांटेजेज ऑफ प्रेसिजन और स्पिंडल बाइंडिंग प्रोसेस। देखिए द स्पीड ऑफ बाइंडिंग मशीन इज लिमिटेड। प्रेसिजन बाइंडिंग के अंदर मशीन की स्पीड लिमिटेड होती है
बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पीड ऑफ यार्न ट्रैवर्स गाइड। इसका कारण ये होता है कि जो यार्न ट्रैवर्स गाइड होती है उसको ट्रैवर्स कराने की स्पीड की लिमिट होती है वो लिमिटेड होती है। चांसेज ऑफ यार्न एलोंगेशन आर पॉसिबल, यार्न के एलोंगेट होने के चांसेज हमेशा रहते हैं। द पैकेज रिजल्टेड इन स्पिंडल वाइंडिंग प्रोसेस हैज लो स्टेबिलिटी। दोस्तों ये जो पैकेज रिजल्टेड होता है या मिलता है हमें स्पिंडल वाइंडिंग से या प्रेसिजन वाइंडिंग से, उसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है। द अनवाइंडिंग ऑफ पैकेज ऑफ स्पिंडल वाइंडिंग प्रोसेस इज लिटिल डिफिकल्ट। दोस्तों जो स्पिंडल वाइंडिंग से मिला हुआ पैकेज होता है उसकी अनवाइंडिंग कुछ डिफिकल्ट होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एंटी पैटर्निंग डिवाइस और रिबन ब्रेकर के बारे में। तो इसके पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में जो पैटर्निंग या रिबनिंग क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, दिस इज यार्न पैकेज डिफेक्ट। जो पैटर्निंग होती है या रिबनिंग होती है एक यार्न पैकेज डिफेक्ट होता है। दिस डिफेक्ट गेट्स ऑकर्ड ड्यूरिंग यार्न वाइंडिंग प्रोसेस। ये पैटर्निंग का डिफेक्ट यार्न की वाइंडिंग के दौरान आता है। द पैटर्निंग और रिबनिंग फॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज ए यार्न पैकेज डिफेक्ट टू बी ऑकरिंग ड्यूरिंग यार्न वाइंडिंग प्रोसेस इन विच द यार्न कॉइल्स गेट लेड ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस यार्न कॉइल। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पैटर्निंग होती है वो एक पैकेज डिफेक्ट होता है जो वाइंडिंग के दौरान आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो यार्न के कॉइल बनते हैं पैकेज के ऊपर, वो एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर आने लगता है, तो उसको हम पैटर्निंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द यार्न कॉइल्स फॉलो सिमिलर पाथ रिपीटेडली ड्यूरिंग वाइंडिंग। दोस्तों अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो कॉइल का यार्न पाथ होता है वो रिपीटेडली एक ही पाथ को फॉलो करने लगता है। दिस रिपीटेडली कंटिन्यूस यार्न कॉइल पाथ कॉजेज पैटर्निंग और रिबन फॉर्मेशन इन यार्न पैकेज गेटिंग बाउंड। दोस्तों ये जो रिपीटेड पाथ होता है कॉइल्स का, तो वो क्या होता है आपके पैकेज के अंदर पैटर्निंग क्रिएट करता है। दोस्तों मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसके अंदर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर वाइंड हो जा रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कॉइल का पाथ है वो रिपीट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि धागा एक दूसरे ऊपर चढ़ जा रहा है और ये पैकेज आपका खराब हो जा रहा है। तो ये जो डिफेक्ट इस तरीके से बनता है इसको हम बोलते हैं पैटर्निंग और रिबन फॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों, दिस सिचुएशन गेट्स क्रिएटेड व्हेन ट्रैवर्स रेशियो रीचेस टू एन इंटीजर वैल्यू। दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा ट्रैवर्स ड्रम घूमता है तो उसके सरफेस कॉन्टेक्ट में हमारा यार्न पैकेज आता है, तो एक पोजिशन ऐसी आती है कि जब हमारे पैकेज की सरफेस स्पीड और हमारे ड्रम की जो सरफेस स्पीड होती है वो बराबर हो जाती है, मतलब पैकेज का डाया और ड्रम का डाया बराबर हो जाता है, तो उस जगह पे प्रॉब्लम आती है, पैटर्निंग हो सकती है। और दोस्तों एक चीज और होती है कि यदि हमारा बराबर ना हो तो जो पैकेज का जो डाया है और हमारे ड्रम का डाया है उसका यदि रेशियो एक इंटीजर हो या पूर्णांक हो तो उस टाइम पर भी हमारे पैकेज में पैटर्निंग होने की संभावना होती है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम पैटर्निंग आल्सो ऑकर्स व्हेन वैल्यूज ऑफ ट्रैवर्स रेशियो दैट डिफर फ्रॉम एन इंटीजर बाय 0.5 टू 0.25 ETC। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कभी कभी, बहुत कम होता है, बट जो ट्रैवर्स रेशियो अगर आपका 0.5 भी है और 0.25 भी है तो उस टाइम पर भी आपका पैटर्निंग हो सकती है। एट द स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग द डायमीटर ऑफ एम्प्टी पैकेज इज लेस देन ट्रैवर्स ड्रम। दोस्तों जब हमारी वाइंडिंग स्टार्ट होती है तो हमारे यार्न पैकेज का डायमीटर ट्रैवर्स ड्रम से कम होता है। एज द वाइंडिंग गेट्स बिगिन, जैसे हमारी वाइंडिंग चालू होती है, द पैकेज डायमीटर इंक्रीजेज रैपिडली। तो जो यार्न पैकेज होता है उसका डायमीटर बहुत तेजी से बढ़ता है। व्हेन द पैकेज डायमीटर गेट्स इक्वल टू ट्रैवर्स ड्रम, मैंने ऊपर ही बताया आपको, जब हमारे पैकेज का डायमीटर वाइंडिंग के दौरान ट्रैवर्स ड्रम के वाइंडिंग के बराबर हो जाता है, द पैटर्निंग जोन गेट्स स्टार्टेड। तो इस टाइम पे क्या होता है कि पैटर्निंग जोन चालू हो जाती है। द रेशियो बिटवीन रोटेशनल स्पीड ऑफ
ट्रेवर्स ड्रम एंड पैकेज गेट्स इक्वल टू होल नंबर। अब दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो रोटेशनल स्पीड होती है मतलब ट्रेवर्स ड्रम की और पैकेज की वो बराबर हो जाती है और वो क्या होता है एक पूर्णांक आ जाता है। एज सून एज डायमीटर ऑफ पैकेज गेट्स इंक्रीज द पैटर्निंग जोन गेट्स एंडेड। दोस्तों अब जो हमारी बाइंडिंग कंटिन्यू रहती है तो क्या होता है कि जरा सी देर के बाद में ही हमारे पैकेज का जो डायमीटर होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब चेंज हो जाएगा तो जो दोनों का रेशियो होता है वो पूर्णांक नहीं रहता है तो हमारी जो पैटर्निंग जोन होती है वो भी खत्म हो जाती है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड एवरी टाइम व्हेन द रेशियो बिटवीन रोटेशनल स्पीड बिटवीन ट्रेवर्स ड्रम एंड पैकेज गेट्स इक्वल टू एन इंटीजर। दोस्तों ये वाइंडिंग के दौरान हर बार होगा जब आपका जो हमारा ड्रम की जो स्पीड है और जो हमारी पैकेज है उसकी जो रोटेशनल स्पीड है उसका जो रेशियो होता है वो जब भी पूर्णांक होगा तब आपकी पैटर्निंग होगी। द पैटर्निंग कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। दोस्तों पैटर्निंग को हम नीचे दिए गए क्लासिफिकेशन के अनुसार बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों एक होता है मेजर पैटर्निंग। तो मेजर पैटर्निंग क्या होती है व्हेन द पैकेज डायमीटर गेट्स रिलेटिवली लार्ज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैकेज डायमीटर गेट्स स्लो। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही हम बाइंडिंग चालू करते हैं तो जब हमारा पैकेज बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद में क्या होता है कि जब पैटर्निंग जोन में पहुंचते हैं तो वो पैटर्निंग जोन काफी देर बाद में खत्म होती है क्योंकि जो पैकेज का जो डायमीटर है वो स्लोली बढ़ता है। तो जब स्लोली बढ़ेगा तो जो पैटर्निंग जोन होती है वो खत्म होने में टाइम लगता है। तो उस टाइम पे जो पैटर्निंग आती है उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा देर के लिए होती है तो उसको बोलते हैं हम मेजर पैटर्निंग। तो वी कैन से दैट डायमीटर चेंजेस टेक्स लॉन्ग टाइम। दोस्तों जो डायमीटर चेंज होता है पैकेज का वो ज्यादा समय लेता है। इन दिस स्टेज द पैटर्निंग रिजल्ट्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो पैटर्निंग होती है वो ज्यादा समय के लिए रिजल्टेड होती है। अब होती है माइनर पैटर्निंग। दोस्तों देखिए दिस काइंड ऑफ पैटर्निंग रिजल्ट्स एट द स्टार्टिंग ऑफ बाइंडिंग। ये जो माइनर पैटर्निंग होती है वो जब हम पैकेज लगाते हैं तो उसी टाइम पर बहुत थोड़े समय के लिए अपीयर होती है। सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैकेज डायमीटर गेट्स वेरी फास्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। दोस्तों स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा पैकेज डायमीटर होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। सो दैट द पैटर्निंग परसिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। दोस्तों यही कारण होता है कि जब जो शुरुआत में पैटर्निंग आती है वो बहुत थोड़े समय के लिए आती है। अब दोस्तों ये जो पैटर्निंग होती है ये हमारे पैकेज में ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एंटी पैटर्निंग डिवाइस। दोस्तों ये जो एंटी पैटर्निंग डिवाइस होती है इसका काम होता है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ पैटर्न जोन या पैटर्निंग जोन क्या होता है कि वो मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और पैकेज के अंदर पैटर्निंग नहीं होने देता है। इफ ए यार्न पैकेज हैज पैटर्निंग और रिबनिंग डिफेक्ट इन इट। दोस्तों यदि हमारे पैकेज के अंदर पैटर्निंग डिफेक्ट है द यार्न अनवाइंडिंग गेट्स डिफिकल्ट ड्यूरिंग यूजेज ऑफ दिस काइंड ऑफ पैकेज। दोस्तों तो ऐसा पैकेज जिसके अंदर पैटर्निंग का डिफेक्ट है उसकी अनवाइंडिंग डिफिकल्ट हो जाती है। ए लॉट ऑफ एंड ब्रेकेजेज गेट ऑकर ड्यूरिंग यार्न अनवाइंडिंग। दोस्तों यार्न अनवाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे यार्न ब्रेकेज आने लगते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी पैटर्निंग डिवाइसेज यूज टू प्रिवेंट द पैटर्निंग और रिमेनिंग डिफेक्ट इन द यार्न पैकेज। दोस्तों आज की तारीख में बहुत सारी पैटर्निंग रोकने के लिए एंटी पैटर्निंग डिवाइस बनाए गए हैं। तो उनमें मैकेनिकल भी होते हैं कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं तो उससे आपके पैकेज के अंदर जो पैटर्निंग होती है वो नहीं आती है। द सम ऑफ एंटी पैटर्निंग सिस्टम्स बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट वाइंडिंग मशीन्स आर गिवन बिलो। अब दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि कौन सी मशीन में किस तरीके से जो एंटी पैटर्निंग डिवाइस होती है वो काम करती है। देखिए दोस्तों ये है आपका स्ले फ्रॉस्ट में काम आता है। ये होता है आपका प्रो पैक सिस्टम ऑफ एंटी पैटर्निंग बाय स्ले फ्रॉस्ट। तो दोस्तों देखिए ये कैसे काम करती है। दिस एंटी पैटर्निंग डिवाइस हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय स्ले फ्रॉस्ट। दोस्तों ये जो एंटी पैटर्निंग डिवाइस है इसको स्ले फ्रॉस्ट कंपनी ने ईजाद किया है मतलब इन्वेंटेड किया है। इट इज ए क्रेडल एंटी पैटर्निंग सिस्टम। दोस्तों ये क्या होता है कि जो क्रेडल होता है
तो उन्होंने कुछ क्रेडल के ऊपर मैकेनिज्म लगा के इसको बनाया है। एज वी नो पैटर्निंग क्रिएट्स व्हेन द नंबर ऑफ यार्न कॉइल्स लेड ऑन द पैकेज फॉर डबल ट्रेवर्स इज ए होल नंबर। तो दोस्तों पहले भी मैं आपको बता दिया है कि पैटर्निंग कैसे क्रिएट होती है, कि जो आपका ट्रेवर्स ड्रम होता है और उसका रोटेशनल स्पीड और पैकेज की जो रोटेशनल स्पीड होती है, जब दोनों का रेशियो एक इंटीजर या पूर्णांक आ जाता है तभी प्रॉब्लम होती है। एट द टाइम ऑफ रिबनिंग फॉर्मेशन द रेशियो बिटवीन ट्रेवर्स ड्रम स्पीड एंड पैकेज स्पीड रीचेज ए क्रिटिकल वैल्यू। तो दोस्तों जब दोनों का रेशियो बराबर होता है तो वो एक क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाता है। द कंप्यूटर ऑफ द प्रोपेक सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर द स्पीड ऑफ ट्रेवर्स ड्रम एंड पैकेज स्पीड। दोस्तों मशीन के अंदर एक इस तरीके का कंप्यूटर लगा रहता है, वो हमेशा पैकेज की रोटेशनल स्पीड और आपके ड्रम की रोटेशनल स्पीड को मॉनिटर करता रहता है एंड डिटरमिन्स द रेशियोज बिटवीन ट्रेवर्स ड्रम स्पीड एंड पैकेज रोटेशनल स्पीड। दोस्तों और हमेशा वो डिटरमिन करता रहता है कि जो हमारा ड्रम है उसकी रोटेशनल स्पीड और जो हमारा पैकेज है उसकी रोटेशनल स्पीड का रेशियो कितना है। व्हेन आवर कंप्यूटर रीड्स दैट क्रिटिकल स्पीड रेशियो इज अबाउट टू टच पैटर्निंग जोन। दोस्तों कंप्यूटर हमेशा रीड करता रहता है कि जो हमारा रेशियो है वो पैटर्निंग जोन की तरफ जा रहा है या टच करने वाला है। द प्रोपेक सिस्टम कम्स इनटू एक्शन इमिडिएटली। जो हमारा एंटी पैटर्निंग डिवाइस होता है प्रोपेक, वो तुरंत प्रभाव में आता है। द प्रोपेक सिस्टम लोअर्स द क्रेडल प्रेशर बाई ए प्री डिटरमिंड अमाउंट। दोस्तों वो क्या करता है कि जो हमारा क्रेडल प्रेशर होता है उसके अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देता है। इन दिस वे द रोटेशनल स्पीड ऑफ द पैकेज आल्सो गेट्स डिक्रीज बिलो द क्रिटिकल पैटर्निंग स्पीड टिल द पैकेज डायमीटर गेट्स एडजस्टेड टू ए वैल्यू अबव द पैटर्न जोन। तो दोस्तों जैसे ही क्या होता है कि जो हमारा क्रेडल प्रेशर होता है वो घट जाता है, तो क्रेडल प्रेशर घटने से जो हमारा पैकेज होता है उसकी भी जो रोटेशनल स्पीड होती है वो स्लाइटली घट जाती है। वो तब तक घटी रहती है जब तक कि हम पैटर्निंग जोन से बाहर नहीं आ जाते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द पैटर्निंग जोन, जैसे हम पैटर्निंग जोन को क्रॉस कर जाते हैं, द प्रोपेक सिस्टम अगेन सेंड ए कमांड टू मैकेनिज्म। दोस्तों जो हमारा एंटी पैटर्निंग डिवाइस में जो कंप्यूटर होता है वो कमांड भेजता है आपके एंटी पैटर्निंग डिवाइस के मैकेनिज्म को एंड द क्रेडल प्रेशर इमिडिएटली रिटर्न इन इट्स प्रीवियस वैल्यू। और उसके बाद में जो हमारा क्रेडल प्रेशर है वो रेगुलर वैल्यू में आ जाता है। अब दोस्तों देखिए एक और एंटी पैटर्निंग डिवाइस है, देखिए सेमी कंडक्टर डिवाइस TRIAC एंटी पैटर्निंग डिवाइस। दोस्तों देखिए द मुराटेक में जापान हैज डेवलप्ड दिस एंटी पैटर्निंग डिवाइस। दोस्तों एक कंपनी है जापानी मुराटेक में, तो उसने इसको इजाद किया है, इन्वेंटेड किया है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सेमी कंडक्टर। दोस्तों ये सेमी कंडक्टर के बेस पर वर्क करती है। एंटी पैटर्निंग एक्शन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्री फीडिंग ऑफ प्रोग्राम फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप ड्यूरेशन पीरियड ऑफ द ट्रेवर्स ड्रम मोटर। दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर एक प्री फीड प्रोग्राम होता है, तो जो आपका ट्रेवर्स ड्रम की मोटर होती है उसको बंद और चालू करने के लिए होता है। इन दिस वे द स्पीड वेरिएशन साइकिल गेट्स एडजस्टेड। दोस्तों इस तरीके से जो स्पीड वेरिएशन साइकिल होती है वो एडजस्ट हो जाती है। द स्पीड ऑफ ट्रेवर्स ड्रम एंड देयर फोर द पैकेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली टू प्रिवेंट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड टू टच द क्रिटिकल वैल्यू विच क्रिएट्स पैटर्निंग। अब दोस्तों ये देखिए एक और एंटी पैटर्निंग डिवाइस है, वो कैसे काम करती है, डबल पिच ड्रम। तो इसमें क्या होता है, दिस एंटी पैटर्निंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय मुराता जापान, मुराता नाम की कंपनी है जापान की, उसने इसको इन्वेंट किया है। दिस एंटी पैटर्निंग सिस्टम इज नोन एज PAC-21, इसको PAC-21 के नाम से जाना जाता है। दिस मॉनिटर ऑल दोज क्रिटिकल पैरामीटर्स विच आर कॉज पैटर्निंग। दोस्तों ये जो सिस्टम होता है तो वो क्या करता है कि हमेशा उन सारे पैरामीटर को रीड करता रहता है जो कि पैटर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन कंट्रोल यूनिट ऑफ
पैक 21 रीड्स, जैसे ही हमारी पैक 21 का कंप्यूटर रीड करता है कि पैटर्निंग जोन इज अबाउट टू टच, हमारी पैटर्निंग जोन छूने वाली है, इट सेंड्स ए कमांड टू चेंज द पोजीशन ऑफ यार्न फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप ऑफ द सेम ड्रम टू प्रिवेंट द पैटर्निंग। तो दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कमांड देता है मशीन को, उससे जो हमारा यार्न होता है उसका जो ग्रुप होता है ड्रम के ऊपर वो चेंज हो जाता है। इन दिस वे एट द टाइम ऑफ रिवनिंग फॉर्मेशन जोन द ग्रुप पोजिशन चेंजिंग मैकेनिज्म स्विच ओवर द यार्न फ्रॉम बाइंडिंग एट 2W टू 2.5W। इट इज सुइटेबल फॉर ऑल काउंट टाइप यार्न एंड पैकेज सेव। दोस्तों ये जो सिस्टम बनाया है मुराता कंपनी ने, ये हर तरीके के काउंट पे, हर तरीके के पैकेज पे काम करता है। अब दोस्तों ये देखिए कंप्यूटर एडेड पैकेज CAP, ये किसने बनाया? सेवियो ने बनाया है। दिस एंटी पैटर्निंग डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाय सेवियो। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। द ड्रम एंड पैकेज डायमीटर रेशियो गेट्स रीड एंड रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। दोस्तों जो ड्रम और पैकेज डायमीटर के बीच का जो रेशियो होता है उसको ये कंप्यूटर रेगुलरली रीड करता रहता है। ईच वाइंडिंग हेड कंप्यूटर कंट्रोल द यार्न डिपॉजिटेड ऑन द पैकेज। दोस्तों कंप्यूटर हर हेड के ऊपर यार्न का जो एक्युमुलेशन होता है पैकेज पे उसको रीड करता है। व्हेन द सिस्टम रीड्स दैट द पैटर्निंग जोन इज अबाउट टू टच, दोस्तों जब हमारी पैटर्निंग जोन टच करने वाली होती है ये कंप्यूटर रीड करता है, इट ऑटोमेटिकली इंटरवीन्स विद द सर्वो मोटर टू मॉडिफाई द ड्राइव रेशियो बिटवीन पैकेज एंड द ड्रम। तो दोस्तों क्या करता है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है वो कमांड देता है सर्वो मोटर को। द सेवियो क्लेम्स दैट दिस सिस्टम प्रोड्यूसेस परफेक्ट पैकेज विदाउट पैटर्निंग। दोस्तों जैसे ही कंप्यूटर ने कमांड दी तो जो सर्वो मोटर होती है उसकी स्पीड स्लाइटली वो घटा देगा या बढ़ा देगा, तो क्या होगा कि उसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी ड्रम की और जो हमारे पैकेज की, तो उसका जो रेशियो होगा वो पूर्णांक नहीं रहता है, वो तब तक रहता है जब तक कि हमारी पैटर्निंग जोन खत्म नहीं होती है, उसके बाद में फिर हमारी सर्वो मोटर की स्पीड नॉर्मल आ जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्निंग होती है वो पैकेज के अंदर नहीं आती है, बहुत इफेक्टिव सिस्टम होता है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न पैकेज फॉल्ट इन ड्रम बाइंडिंग कॉजेज एंड रेमेडीज। दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको बताऊं पैकेज फॉल्ट, मैं आपसे कहूंगा आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहला होता है एक्सेस यार्न ब्रेकेज। व्हेन द एक्सेसिव यार्न ब्रेकेज गेट ऑकर ड्यूरिंग ड्रम बाइंडिंग प्रोसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन गेट्स अफेक्टेड। दोस्तों यदि ड्रम बाइंडिंग मशीन के ऊपर यार्न ब्रेकेज ज्यादा हो रहे हैं तो मशीन की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। द पुअर यार्न क्वालिटी ऑल्सो गेट्स रिजल्टेड, यार्न की क्वालिटी भी पुअर हो जाती है। इफ देयर इज एक्सेसिव एंड ब्रेकेज ड्यूरिंग बाइंडिंग, यदि बाइंडिंग के दौरान जो बार ब्रेकेज है या एंड ब्रेकेज है ज्यादा होता है तो उससे हमारे यार्न की क्वालिटी खराब हो जाती है। द सम कॉमन एंड इम्पोर्टेंट रीजन क्रिएटिंग एक्सेसिव एंड ब्रेकेज आर गिवन बिलो। अब दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि हमारे धागे में ब्रेकेज ज्यादा आ रहे हैं। द वाइंडिंग टेंशन इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू यार्न काउंट टू बी वाउंड, जो हमारे वाइंडिंग के दौरान टेंशन होता है उसको काउंट के अनुसार सिलेक्ट किया जाता है। इफ द वाइंडर डोंट मेंटेन एनफ एंड प्रॉपर यार्न टेंशन ड्यूरिंग वाइंडिंग, दोस्तों यदि जो हमारा वाइंडिंग ऑपरेटर है वो वाइंडिंग के दौरान एनएफ टेंशन और प्रॉपर टेंशन मेंटेन नहीं रखता है, एक्सेसिव एंड ब्रेकेज रिजल्ट, तो हमारे मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा एंड ब्रेकेज होता है। एक्सेसिव यार्न टेंशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अननेसेसरी एंड ब्रेकेज ड्यूरिंग वाइंडिंग। दोस्तों यदि हमने मशीन के ऊपर क्या किया कि जो यार्न टेंशन है उसको एक जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है तो हमेशा आपके मशीन के ऊपर एंड ब्रेकेज ज्यादा होगा। द वाइंडर शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ यार्न बाइंडिंग टेंशन, हमारे वाइंडर को जो यार्न टेंशन है कितना रखना है कितना नहीं रखना है उसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों देखिए इम्प्रॉपर वाइंडिंग स्पीड, द वाइंडिंग स्पीड ग्रेटली इन्फ्लुएंस एंड ब्रेकेज रेट ड्यूरिंग वाइंडिंग प्रोसेस, दोस्तों जो मशीन की वाइंडिंग स्पीड होती है तो वो हमेशा आपके एंड ब्रेकेज में
इफेक्ट डालती है। द स्पीड ऑफ वाइंडिंग मशीन इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द यार्न टेंसाइल स्ट्रेंथ काउंट एंड थिक एंड थिन प्लेसेज प्रेजेंट इन यार्न टू बी वाउंड। दोस्तों जो मशीन की स्पीड वाइंडिंग स्पीड हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं। वो फैक्टर होते हैं आपके यार्न टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यार्न की काउंट होती है, और यार्न के अंदर जो थिक प्लेस और थिन प्लेस होते हैं वो कितने हैं, उन सबको देखते हुए ही हम मशीन की स्पीड को सेलेक्ट करते हैं। द वाइंडिंग टेंशन गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन द वाइंडिंग स्पीड इज इंक्रीज्ड। दोस्तों जैसे ही हमारी मशीन की स्पीड बढ़ती है वाइंडिंग टेंशन इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज इन टेंशन कॉजेज एंड ब्रेकेज। तो ये जो टेंशन में बढ़ोतरी होती है इससे क्या होता है कि हमारा यार्न होता है वो ब्रेकेज होने लगता है। द यार्न हैविंग पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ गेट्स वाउंड ऑन लोअर वाइंडिंग स्पीड। यदि आपके धागे की जो यार्न टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम है तो उसको वाइंड करने के लिए हम मशीन की स्पीड कम लेते हैं। द थिन एंड थिक प्लेसेज प्रेजेंट इन द यार्न ऑलवेज इंक्रीज द चांसेज ऑफ एंड ब्रेकेज। दोस्तों यदि हमारे धागे के अंदर थिक और थिन प्लेस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके एंड को ब्रेक करने की ज़्यादा संभावना पैदा करते हैं। सो दैट द यार्न हैविंग पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई इम्परफेक्शन शुड गेट वाउंड एट लो वाइंडिंग स्पीड। दोस्तों यदि जो धागा आप वाइंड कर रहे हैं उसके अंदर इम्परफेक्शन ज़्यादा है, मतलब थिक प्लेस थिन प्लेस नेप्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो उसको लोअर स्पीड पर या लोअर वाइंडिंग स्पीड पे वाइंड करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए सेटिंग ऑफ स्लिप गेजर, मतलब स्लिप गेजर की सेटिंग भी आपके एंड ब्रेकेज को इफेक्ट कर सकती है। द इम्प्रॉपर स्लिप गेजर सेटिंग आल्सो कॉजेज एक्सेसिव एंड ब्रेकेज ड्यूरिंग वाइंडिंग प्रोसेस। दोस्तों यदि आपके स्लिप गेजर की सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो वो भी ड्यूरिंग वाइंडिंग आपके एंड ब्रेकेज को बढ़ा देती है। द क्लियरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ब्लेड्स ऑफ स्लिप गेजर इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द यार्न काउंट। दोस्तों जो स्लिप गेजर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, दो ब्लेड होते हैं, एक टॉप ब्लेड होता है एक बॉटम ब्लेड होता है, तो उसकी जो सेटिंग होती है उसको हमेशा हमें यार्न काउंट के अनुसार रखनी चाहिए। द लो क्लियरेंस कॉजेज एंड ब्रेकेज, यदि हम कम क्लियरेंस रखते हैं दोनों ब्लेड के बीच में तो हमारे मशीन पर एंड ब्रेकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इफ क्लियरेंस इज मोर देन रिक्वायर्ड, दोस्तों यदि जो क्लियरेंस है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा होता है, द एक्स्ट्रा थिक प्लेसेज कैन बी पास्ड इनटू द यार्न बीइंग वाउंड ऑन द पैकेज। दोस्तों तो इससे क्या होता है, यदि हम अपने मशीन के अंदर जरूरत से ज़्यादा क्लियरेंस रख देते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा थिक प्लेसेज होते हैं तो वो यार्न के साथ में पास हो जाते हैं। अब दोस्तों देखिए स्टिचेज इन द यार्न पैकेज, मतलब यार्न पैकेज के ऊपर स्टिचेज बन जाते हैं। तो देखिए समटाइम्स द यार्न कॉइल्स गेट लेड आउटसाइड द एजेज ऑफ द पैकेज। क्या होता है कि जब हमारा वाइंडिंग होता है तो समटाइम क्या होता है कि जो यार्न के कॉइल्स होते हैं वो पैकेज से बाहर निकल जाते हैं। दीज आउटसाइड लेड कॉइल्स आर नोन एज स्टिचेज इन द पैकेज। तो ये जो कॉइल बाहर निकल जाते हैं तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम स्टिचेज इन द पैकेज बोलते हैं। दीज स्टिचेज कॉजेज वेरी वीक ट्रबल ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ द यार्न। ये जो स्टिचेज की प्रॉब्लम होती है पैकेज के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब हम यार्न की अनवाइंडिंग करते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द एंड ब्रेकेज रेट गेट्स इंक्रीज ड्यू टू स्टिचेज इन द यार्न। दोस्तों यदि आपके यार्न पैकेज के अंदर स्टिचेज की प्रॉब्लम होती है तो जो एंड ब्रेकेज रेट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। द बॉटम स्टिचेज आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन यार्न अनवाइंडिंग। दोस्तों यदि आपके पैकेज के अंदर जो स्टिचेज हैं वो बॉटम साइड में ज़्यादा हैं या बॉटम साइड में कोई भी स्टिचेज है तो वो अनवाइंडिंग के दौरान बहुत भारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द नोज स्टिचेज आल्सो क्रिएट स्नार्लिंग एंड बंचेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग अनवाइंडिंग। दोस्तों यदि जो पैकेज के अंदर स्टिचेज हैं वो नोज साइड पर हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो क्या होगा कि स्नार्लिंग भी हो सकती है आपके यार्न में अनवाइंडिंग के दौरान, बंचेज भी बन सकते हैं। द मेन पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्टिच फॉर्मेशन इन वाइंडिंग पैकेज आर गिवन बिलो। अब दोस्तों नीचे हम आपको कुछ कारण दे रहे हैं जो कि स्टिचिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। द एक्सेसिव ट्रेवर्स ड्रम स्पीड में रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टिच फॉर्मेशन इन वाइंडिंग पैकेज। दोस्तों यदि हमने मशीन की स्पीड ज़्यादा रख दी या
जो हमारा ट्रेवल सेंटर में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो स्टिच बनने का कारण हो सकता है। वॉर्न आउट कोन होल्डर कॉजेज स्टिच फॉर्मेशन, दोस्तों जो हमारा कोन होल्डर होता है जिसके ऊपर एक स्पिंडल लगा होता है तो उसकी अगर बेयरिंग वगैरह खराब हो जाती है, कट जाती है या उसमें प्ले हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पैकेज में स्टिच बनने की संभावना बन जाती है। ह्यूज वेरिएशन इन वाइंडिंग टेंशन क्रिएट्स स्टिच फॉर्मेशन इन वाइंडिंग, दोस्तों यदि वाइंडिंग के दौरान जो हमारा वाइंडिंग टेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो वो भी पैकेज के अंदर स्टिच बनने का कारण होता है। इफ ऑपरेटर रिलीजेज द यार्न ऑन इनकरेक्ट पोजिशन एट द टाइम ऑफ रीस्टार्टिंग आफ्टर नोटिंग ऑफ द यार्न, दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटर होता है वो जब एंड ब्रेक के बाद में मशीन को चालू करता है तो दोनों सिरों को जोड़ता है और एक प्रॉपर पोजिशन में एंड को रिलीज करता है, बट कभी कभी जो ऑपरेटर होता है वो यार्न को एक सही पोजिशन में अगर रिलीज नहीं करता है मशीन के रीस्टार्टिंग के टाइम पर द स्टिच फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो यदि उसने अपने एंड को या धागे को गलत प्लेस पर छोड़ दिया तो आपके पैकेज में स्टिच बनने की संभावना हो जाती है। इम्प्रॉपर माउंटिंग ऑफ पैकेज इन द कोन होल्डर में रिजल्ट स्टिच फॉर्मेशन इन वाइंडिंग, दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। जो हमारा वाइंडर होता है यदि उसने एम्प्टी पैकेज को कोन होल्डर के ऊपर सही तरीके से माउंट नहीं किया तब भी आपके पैकेज के अंदर स्टिच बनने की संभावना होती है। दोस्तों देखिए वॉर्न आउट ट्रेवर्स ड्रम कॉजेज स्टिच फॉर्मेशन इन वाइंडिंग, दोस्तों यदि आपका जो ट्रेवर्स ड्रम है वो खराब हो गया है, उसके ग्रुप्स वगैरह कट गए हैं, हेलिकल ग्रुप्स जो होते हैं, तो उसके वजह से भी आपके पैकेज के अंदर स्टिच आने की संभावना हो सकती है। अब दोस्तों जो पैटर्निंग होती है वो कैसे आती है, देखिए इफ एंटी पैटर्निंग डिवाइस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आपके मशीन के अंदर जो एंटी पैटर्निंग डिवाइस होती है वो सही से काम ना करे, इट मे कॉज पैटर्निंग और रिबन फॉर्मेशन इन द रिजल्टिंग यार्न पैकेज, तो इससे हमारे यार्न पैकेज के अंदर पैटर्निंग या रिबनिंग होने की संभावना होती है। इनकरेक्ट सेटिंग और प्रोग्रामिंग ऑफ एंटी पैटर्निंग डिवाइस कॉजेज पैटर्निंग इन द पैकेज, दोस्तों यदि हमारी जो पैटर्निंग डिवाइस है वो कंप्यूटराइज है तो उसके अंदर यदि हमने जो प्रोग्राम फीड किया वो करेक्ट नहीं है तब भी हमारे पैकेज के अंदर पैटर्निंग होने की संभावना होती है। इम्प्रॉपर ग्रिप ऑफ पैकेज ऑन द पैकेज होल्डर रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रिबन फॉर्मेशन, दोस्तों जो हमारा पैकेज होता है और उसका जो ग्रिप होता है यदि पैकेज होल्डर के ऊपर सही नहीं है तब भी हमारे मशीन के अंदर क्या होगा कि पैकेज में पैटर्निंग हो सकती है। अब दोस्तों देखिए इंटेंगलमेंट ऑफ यार्न, तो इसमें क्या होता है रिपीटेड नोटर फाइबर प्रोड्यूसेस यार्न एंटेंगलमेंट, द यार्न एंटेंगलमेंट मे बी ऑकर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सक्शन प्रेशर, यदि मशीन के अंदर सक्शन प्रेशर ज्यादा है तब भी यार्न एंटेंगलमेंट हो सकता है। फॉल्टी रिलीज ऑफ यार्न बाई ऑपरेटर आफ्टर नोटिंग, दोस्तों मशीन को रिस्टार्ट करते समय पे यदि हमारे ऑपरेटर ने यार्न को सही से रिलीज नहीं किया तब भी यार्न एंटेंगलमेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ यार्न ब्रेक स्टॉप मोशन कॉजेज यार्न एंटेंगलमेंट, दोस्तों एक कारण ये भी होता है कि जो हमारा स्टॉप मोशन है वो सही से अगर वर्क ना करे तो वहाँ पर भी हमारा यार्न होता है वो इंटेंगल्ड हो सकता है। अब दोस्तों देखिए बिल्ड यार्न, ये क्या होता है यार्न वेस्ट रैप्ड ऑन हैंड्स ऑफ मशीन ऑपरेटर रिजल्ट विद यार्न इन पैकेज, दोस्तों क्या होता है कि कुछ यार्न वेस्ट यदि हमारे ऑपरेटर के हाथ में होता है मशीन ऑपरेटर के हाथ में और वो किसी भी कारण से पैकेज के साथ में बाउंड हो जाता है तो उसको हम बेल्ड यार्न बोलते हैं। और दोस्तों ये जो यार्न बाउंड हो जाता है बाहर से वेस्ट वगैरह ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों देखिए स्नॉलिंग इन द यार्न, देखिए क्या कारण होते हैं इम्प्रॉपर रिलीज ऑफ यार्न आफ्टर नोटिंग और एट द टाइम ऑफ रिस्टार्टिंग, दोस्तों यदि हमारा जो वाइंडर है वो यार्न को जब रिलीज करता है आफ्टर स्टार्टिंग उसने सही तरीके से रिलीज नहीं किया तो क्या होगा स्नॉर्लिंग होने की संभावना बन जाती है। स्ट्रॉन्ग सक्शन प्रेशर इन द सेलेक्टिव, दोस्तों अगर हमारे सेलेक्टिव के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है तब भी हमारे यार्न में स्नॉर्लिंग होने की संभावना होती है। और इन एडेक्वेट सेटिंग ऑफ ट्विस्ट, और दोस्तों जो ट्विस्ट हम यार्न में है उसकी अगर ज्यादा ऑटो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए दोस्तों यार्न रप्चर, तो इसके कौन कौन से कारण होते हैं दोस्तों, इफ स्टॉप मोशन इज आउट ऑफ ऑर्डर और नॉट वर्किंग करेक्टली,
दोस्तों हमारी स्टॉप मोशन सही तरीके से काम ना कर रही हो, द पैकेज गेट्स रोटेटेड कंटिन्यूसली विदाउट यार्न, तो जो हमारा पैकेज होता है यार्न ब्रेक होने के बाद में कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, द सर्फेस ऑफ द यार्न गेट्स रप्चर्ड ड्यू टू एब्रेशन बिटवीन ड्रम एंड पैकेज सर्फेस। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जो हमारा यार्न लपटा हुआ है वो ड्रम से रगड़ खाता रहता है, और रगड़ खाने से क्या होगा कि जो हमारा पैकेज है उसकी सर्फेस रप्चर हो जाती है, मतलब यार्न रप्चर हो जाता है। द रफ और डैमेज सर्फेस ऑफ ग्रूव्स ऑफ ट्रैवर्स ड्रम आल्सो कॉजेज रप्चर इन द यार्न। अब दोस्तों जो हमारा ट्रैवर्स ड्रम होता है उसके अंदर जो हेलिकल ग्रूव्स होते हैं उसकी जो सर्फेस है यदि वो खराब है मतलब रफ है तो उससे भी हमारे यार्न के रप्चर होने की संभावना होती है। इफ द यार्न पाथ गेट्स रप्चर्ड एट एनी प्लेस, यदि हमारा जो यार्न पाथ है उसका जो सर्फेस है वो रप्चर्ड है, द रप्चर्ड यार्न रिजल्ट इन द पैकेज ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, तो दोस्तों जो रप्चर्ड यार्न होता है जो ड्यूरिंग अनवाइंडिंग वो दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों देखिए सॉफ्ट पैकेज, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इट इज वेरी सीरियस डिफेक्ट, ये बहुत सीरियस डिफेक्ट होता है, दिस डिफेक्ट कॉजेज यार्न कॉइल स्लिपेज ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, तो यदि आपका जो पैकेज है उसके अंदर डेंसिटी कम है उसकी वो बहुत ढीला है बहुत सॉफ्ट है तो क्या होगा अनवाइंडिंग के दौरान जो यार्न कॉइल होती हैं वो स्लिप होने लगती हैं, द होल पैकेज गेट्स रिजेक्टेड मैनी टाइम्स। दोस्तों क्या होता है कि बहुत बार तो आपका पूरा का पूरा जो यार्न पैकेज होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स ड्यू टू लो वाइंडिंग टेंशन, ये जो प्रॉब्लम होती है वो लो वाइंडिंग टेंशन के कारण क्रिएट होती है। दोस्तों सॉफ्ट नोज पैकेज, दोस्तों क्या होता है इसमें, इफ द नोज ऑफ द पैकेज गेट्स मच सॉफ्ट, दोस्तों यदि हमारे पैकेज की जो नोज होती है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है, देयर मे बी सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग यार्न अनवाइंडिंग, तो दोस्तों सॉफ्ट नोज पैकेज की अनवाइंडिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पैकेज मे बी रिजेक्टेड, लगभग पैकेज का आधा भाग रिजेक्ट हो जाता है, दिस डिफेक्ट कॉजेज व्हेन द ऑपरेटर इंक्रीजेज द यार्न टेंशन इन द मिडल ऑफ द पैकेज। दोस्तों ये जो सॉफ्ट नोज का प्रॉब्लम होता है वो तब क्रिएट होता है कि जब हमने वाइंडिंग स्टार्ट करी तो उसमें जो यार्न टेंशन था या वाइंडिंग टेंशन था वो जो था वो आधे पैकेज के बाद में हमारे ऑपरेटर ने देखा कि टेंशन कम है, उसने स्लाइटली टेंशन बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ यार्न वाइंडिंग का जो टेंशन बढ़ गया वो प्रेशर आपके यार्न पे या पैकेज पे क्रिएट होता है तो उसकी नोज होती है बाहर को निकल जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है। व्हेन द वाइंडिंग रीस्टार्ट विद इंक्रीज्ड यार्न टेंशन द वाइंडिंग डेंसिटी गेट्स इंक्रीज्ड, दोस्तों जैसे ही हमारा ऑपरेटर पैकेज के बीच में टेंशन बढ़ाता है तो ऊपर वाले लेयर की जो वाइंडिंग डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, द टॉप लेयर ऑफ पैकेज पुट प्रेशर ऑन बॉटम लेयर, तो जो बढ़ी हुई डेंसिटी की टॉप लेयर होती है वो बॉटम लेयर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, दस द नोज ऑफ द पैकेज कम्स आउट ऑफ द पैकेज, इस तरीके से जो पैकेज होता है उसकी नोज बाहर को आ जाती है। वाइंडर शुड नॉट इंक्रीज टेंशन आफ्टर स्टार्टिंग द वाइंडिंग मशीन, तो हमारे वाइंडर को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि वो पैकेज के वाइंडिंग के बीच में कभी भी टेंशन को ना बढ़ाए, वी शुड एडजस्ट यार्न टेंशन एट स्टार्टिंग टाइम ओनली, जो हमारा वाइंडर होता है उसको वाइंडिंग स्टार्ट करते समय ही अपने पैकेज का जो टेंशन वगैरह वो बढ़ाना चाहिए, बीच में कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको वार्प वाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किया है, यार्न पैकेज फॉल्ट के बारे में डिस्कस किया है, ड्रम वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया है, चीज वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया है, स्पिंडल वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया है, वो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।